भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने शाहबाद में रोड जाम का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा कई रूट डायवर्ट किए गए हैं। दिल्ली जाने वाले लोगों को अंबाला से डायवर्ट करते हुए 152 डी से गुजरना पड़ेगा। अंबाला शहर से छावनी जाने वाले लोगों को बलदेव नगर से गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से अंबाला में कई जगह जाम देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुलिस कर्मियों का नाका दिखाई दे रहा है। पुलिस द्वारा लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं। इसके साथ ही लोगों को रूट समझाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसानों ने शाहबाद में रोड जाम का ऐलान किया है, जिसके बाद कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लोगों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है। जब तक उच्च अधिकारियों के निर्देश नहीं आते, तब तक रूट डाइवर्ट रहेगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन द्वारा शाहबाद मारकंडा में रोड ब्लॉक किया गया, उसके मद्देनजर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया ताकि आम जन को दूसरे रोड से वो सुचारू रूप से ट्रैफिक को नियंत्रण किया जा सके। सर, ये कौन सा रोड है और कहाँ कहाँ ड्राइवर? ये दिल्ली पटियाला अमृतसर रोड है, इसको चेंज डाइवर्ट किया गया। सर, जिसको दिल्ली जाना है वो कौन से रास्ते से जाएगा? वो दिल्ली जाने वाला 152 डी जो कैथल मार्ग है उससे आगे से जा सकता। सर, जिसको अम्बाला कैंटी या सहा इस मार्ग से जाना हो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बलदेव नगर से की हुई है, वो उधर से निकाला जा रहा है। सर, कब तक ये इस तरह रहने वाला है? जैसे अफसरों के आदेश आएंगे उसी तरह खोल दिया जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन द्वारा शाहबाद मारकंडा में रोड ब्लॉक किया गया, उसके मद्देनजर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया ताकि आम जन को दूसरे रोड से सुचारू रूप से ट्रैफिक को नियंत्रण किया जा सके। सर, ये कौन सा रोड है और कहाँ? ये दिल्ली पटियाला अमृतसर रोड है, इसको चेंज डाइवर्ट किया गया। सर, जिसको दिल्ली जाना है वो कौन से रास्ते से जाएगा? वो दिल्ली जाने वाला 152 डी जो कैथल मार्ग है उससे आगे से जा सकता। सर, जिसको अम्बाला कैंटी या सहा इस मार्ग से जाना हो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बलदेव नगर से की हुई है, वो उधर से निकाला जा रहा है। सर, कब तक ये इस तरह रहने वाला है? जैसे अफसरों के आदेश आएंगे उसी तरह खोल दिया जाए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।